Hello students, I'm Dr. Charu Sharma and today we are going to start with the major subject series of Prasuti Tantra and Strirro. और आज जो हम सेक्शन कवर करेंगे वो है योनि व्यापद की ट्रीटमेंट. हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने जो चरक का योनि व्यापद वाले क्लिनिकल फीचर्स एटियोलॉजी जो है वो हमने कवर कर लिया है. और अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें कवर करना है कि योनि व्यापद की जो चिकित्सा बताई गई है चरक ने और सुश्रुत ने. तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है योनि व्यापद की चिकित्सा में कहाँ पे पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि जो स्पेसिफिक योग बताए गए हैं हर एक योनि व्यापद की चिकित्सा के लिए, कुछ टिपिकल कर्म जो हैं वो बताए गए हैं, कुछ स्पेसिफिक योग बताए गए हैं और कुछ चिकित्सा सिद्धांत जो वहाँ पे बताए गए हैं. तो आपको इन तीनों में से जो क्वेश्चन आते हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे. तो सबसे पहले जो दोष के भेद से चिकित्सा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. दोष के भेद से जो चिकित्सा बताई गई है उसमें एक तो चीज़ हमें पढ़नी है चिकित्सा सिद्धांत, फिर उसके बाद हमको देखना है कि लोकल एप्लीकेशन के लिए वहाँ पे क्या क्या दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट दोष के अनुसार, और जो तीसरी चीज़ है वो है उत्तरवस्ती, किस आपको जो है किस ड्रग से उस दोष में जो है देनी है. तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये हमें दोषिक भेद से देखनी है. तो वातज का देखते हैं, तो वातज में क्या बोला है चिकित्सा सिद्धांत, स्नेह स्वेद बस्ते आदि, स्नेहन स्वेदन और बस्ती का जो प्रयोग है वो बताया गया है. तो ये तो सिंपल वातरोग की ही चिकित्सा है, तो इसको हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है. जो नेक्स्ट बोला गया है वो क्या है, धारण करने के लिए जो बोला है लोकल एप्लीकेशन जो जो है हमको योनि व्यापद में देनी है, या तो हम उसको वजाइनल टैम्पोन्स की तरह देते हैं या फिर हम कोई स्पेसिफिक लोकल एप्लीकेशन जो करते हैं वो हम वातज में करेंगे हिंसरा कल्क का. किसका, हिंसरा कल्क का. और उत्तर बस्ती जो हम देंगे वातज योनि व्यापद में वो हम देंगे या तो तेल से देंगे या किसी अम्ल द्रव्य से देंगे, क्योंकि तेल क्या होता है पेस्ट वातग्न होता है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये बोला गया है. अब आ जाते हैं हम पित्तज पे. पित्तज में बेसिकली क्या बोला है कि जो हमको चिकित्सा करनी है वो कैसी करनी है, रक्त और पित्तनाशक चिकित्सा करनी है जिसमें कि शीत द्रव्यों का प्रयोग किया गया हो. क्या करना है हमको, हमको रक्त पित्तघ्न चिकित्सा करनी है जिसमें कि शीत उपक्रम भी दिया है. और लोकल एप्लीकेशन के लिए क्या दिया है वहाँ पे, लोकल एप्लीकेशन के लिए जो पंचवल्कल होता है उसका प्रयोग किया गया है. और उत्तर बस्ती किससे देंगे, उत्तर बस्ती हम देंगे मधुर द्रव्य या फिर शीर से. तो देखो जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं वो एकदम स्पेसिफिक हैं और जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसको आपको बस समझना है और आपको ये चीज़ याद हो जाएगी. फिर कफज में आओ, तो कफज में बेसिकली क्या बोला है कि चिकित्सा सिद्धांत क्या है इसका, आपको इसमें प्रयोग करना है किसका, रुक्ष द्रव्यों का और उष्ण चिकित्सा करनी है. धारण के लिए क्या दिया है, श्याम आदि नाम, श्याम आदि जो द्रव्य हैं उनको जो है लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है. और उत्तर बस्ती किसकी देनी है, कटु प्राय द्रव्य की, और वो मूत्र के साथ जो है आप उसका इम्प्लीमेंट उसको कर सकते हो. तो डिफ़िकल्ट यहाँ पे बस क्या आता है, लोकल एप्लीकेशन के लिए जो डिफरेंट ड्रग्स बोले गए हैं वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए, वो आपको ध्यान रखने हैं. वात के लिए है हिंसरा, पित्त के लिए है पंचवल्कल और कफज के लिए है श्याम आदि. ये टेबल जो है आपको ऐसे ही ध्यान रखनी है. ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर दोष के भेद से आपको जो है ये चीज ध्यान रखनी है. नेक्स्ट आता है चिकित्सा सिद्धांत. तो जब हम चिकित्सा सिद्धांत पे आते हैं तो हमने दोषिक भेद के हिसाब से देख लिया. अब जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन इसमें आता है कि मृदु शोधन जो है वो हम यूजली करवाते हैं योनि व्यापद में. कैसा करवाते हैं, स्नेहन और स्वेदन के बाद हम जो है मृदु संशोधन देते हैं. और यहाँ पे जो है एक सूत्र आता है वो क्या है, वात व्याधि हरम कर्म वात आर्ताना सदा हितम. जो हमें हमेशा इसमें ट्रीटमेंट करनी है वो वात नाशक करनी है. और आक्तम लवण तैलेन सा अश्म प्रस्तर संकरे. तो ये दोनों जो चिकित्सा सूत्र हैं ये किससे रिलेटेड हैं, ये हैं योनि व्यापद से रिलेटेड. ठीक है, और हमको हमेशा कंसिडर करना है कि जो भी हम ट्रीटमेंट प्लान लें उसमें जो है वात का प्रकोप वहाँ पे नहीं होना चाहिए. हमेशा हमारा ट्रीटमेंट प्लान कैसा होना चाहिए, जिससे कि वात का प्रकोप ना हो. अब उसके बाद हम स्पेसिफिक जो है योनि व्यापद का यहाँ पे मेंशन करेंगे कि डिफरेंट योनि व्यापद के लिए जो है क्या क्या स्पेसिफिक योग या फिर
चिकित्सा बताई गई है। तो ये इसमें देखो कुछ कुछ के बहुत ही अलग योग हैं और कुछ के आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ एक ग्रुप ऑफ योनि व्यापद है जिसके लिए सेम चिकित्सा यूज की गई है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में, क्यों? क्योंकि उनका जो है एक स्पेसिफिक योग जो है और एमसीक्यूज में जो आता है कि आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें आपको ऑल द अबव या टू ऑफ द अबव ऐसे करके उसको मार्क करना है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी होता है, तो इसीलिए सुन के जो है समझ के इसको जो है आपने याद रखना है। तो सबसे पहला क्या आया, अरजस का। अरजस का जो हमने कैसा पढ़ा था, कार्ष्य वैवर्ण्य जननी भृशम, उसमें क्या था, हमें उसको जो है हमें फीचर्स में एमेनोरिया मिला था। तो अब जहाँ पे जो है ब्लड नहीं है वहाँ पे हम क्या करते हैं, जिस चीज़ की कमी होती है हम उसको देते हैं। तो वो हम कैसे देंगे, हम एक ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, कुछ एनिमल्स का जो फ्रेश ब्लड है उसको जो है हम एडमिनिस्टर करते हैं। तो यूजुअली किसका होता है, वो हम अजा का देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। तो अरजस का में जो है अजा के जो है फ्रेश ब्लड का जो है यूज करते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिर उसके बाद है अचरना, किसका है, अचरना। अचरना के लिए क्या बोला था कि कंडू होता है वो हाइजीन मेंटेन नहीं करती और उसको जो है अर्ज जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसके लिए एक वर्ती का प्रयोग किया जाता है, एक सपोजिट्री का प्रयोग किया जाता है जिसमें मत्स्य पित्त जो है उसको 21 बार भावित करके जो है हम वो वर्ती बनाते हैं, वो वर्ती जो है हम उससे फॉर्मुलेट करते हैं। तो अचरना जो है उसमें मत्स्य पित्त का प्रयोग किया गया है। अब उसके बाद एक जो है ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर आता है वो क्या है, करणिनी है, अचरना है, प्राकचरना है और शुष्क योनि है। दोबारा देखो क्या क्या है, करणिनी है, अचरना है, प्राकचरना है और शुष्क योनि है। ये जो चार डिसऑर्डर्स हैं इसमें हमको क्या करना है, हमको इसमें ये बात कफज रोग है तो इसमें हमको क्या देना है, हमको जो जीवनीय गण साधित जो है उत्तर बस्ती का प्रयोग करना है। किसका करना है, उत्तर बस्ती का प्रयोग करना है। उत्तर बस्ती से रिलेटेड पॉइंट अभी हमने क्या देखे थे, वात पित्त और कफ में किस किस का प्रयोग किया गया था, तो मधुर का पित्त में था, शीर का जो है वो पित्त में था, अम्ल का वात में था और कटुप्राय मूत्र जो था वो कफश था। तो यहाँ पे जीवनीय गण के लिए उन्होंने क्या बोला है, करणिनी में, अचरणा में, प्राकचरणा में और शुष्क योनि में। अब नेक्स्ट जो आते हैं वो हम आते हैं प्राकचरणा और अतिचरणा। तो देखो पहले वाला जो ग्रुप था उसमें अचरणा और प्राकचरणा थे, यहाँ पे क्या है, प्राकचरणा है और अतिचरणा है। तो इसमें हमको शतपाकी तेल जो है उसका प्रयोग करना है। दोनों टाइप की बस्ती आप दे सकते हो, आप निरूह भी दे सकते हो, आप अनुवासन भी दे सकते हो। और किसका प्रयोग करना है, शतपाकी तेल का प्रयोग करना है, किसमें, प्राकचरणा और अतिचरणा। अब हम आते हैं महायोनि पे। महायोनि कैसा था, एक प्रोलैप्स का कंडीशन था। जो ये प्रोलैप्स का कंडीशन था यूजुअली इसमें हम क्या प्रयोग करते हैं, वेशवार का प्रयोग जो है वो किया जाता है। वेशवार जो है उसमें क्या होता है, निरस्थी मास जो है वो वहाँ पे धारण के लिए बोला जाता है। तो वसा का प्रयोग है, किस किस की, वराह की जो वसा होती है उसका प्रयोग बोला गया है लोकल एप्लीकेशन के लिए, किसमें, महायोनि में। उसके बाद आ जाओ योनि शूल में। योनि शूल में दो चीज़ का प्रयोग है, वो है सेंधवादि तेल और गुड़ुच्यादि तेल। किसका, सेंधवादि तेल और गुड़ुच्यादि तेल। अब उसके बाद जो दोष के भेद से कुछ स्पेसिफिक जो योग बताए गए हैं वो एक बार देखोगे आप, बात बात को कौन शमन करता है, बला करता है, काश्मरी करता है और गुड़ुच्यादि तेल करता है। तो बला तेल, काश्मर्यादि तेल और गुड़ुच्यादि तेल। पित्तज में क्या है, बला तेल है और पंचवल्कल कल्क धारण है, वही जो हमने अभी लोकल एप्लीकेशन के लिए पंचवल्कल ही देखा था। कफज में भी क्या है, सेम ही है, श्यामा त्रिवृत कल्क धारण है और कटु प्रधान द्रव्य है की उत्तर बस्ती यहाँ पे। उदावरता में त्रिवृत स्नेह का प्रयोग बोला है, दशमूल सिद्ध दुग्ध बोला है। वातला में जो है त्रिवृत स्नेह का प्रयोग बोला है और महायोनि में जो हमने देखा था वही पॉइंट है। शुष्का इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे जीवनीय वर्ग साधित तेल की उत्तर बस्ती और जीवनी औषधियों से सिद्ध दुग्ध का प्रयोग बोला है। विप्लुता हमने देखा है, शल्लकी का प्रयोग है। प्राकचरणा में अभी हमने देखा शतपाकी तेल और वामिनी में जो है
और उपप्लुता में स्नेह पिचु धारण और संतर्पण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें कि कर्णिनी में भी एक वर्ती बनाई जाती है जिसमें कुष्ठ, पिप्पली, अर्क, अग्र और सैंधव का प्रयोग किया जाता है। किसका? कुष्ठ का, पिप्पली का, अर्काग्र और सैंधव का। पुत्रघ्नि में क्या करते हैं हम? फल घृत का प्रयोग करते हैं। प्रशंसिनी में क्या करते हैं? वेश्वार विंड का प्रयोग करते हैं। अचरना हमने डिस्कस किया, अब बस यहाँ पे जो है एक प्रिंसिपल आपको देखना है, वो क्या है कि कहीं पे जो है हमें डिफॉर्मिटी मिलती है योनि की, तो हम उसके हिसाब से उसको करते हैं कि जहाँ पे डिसलोकेशन है तो उसको हम रिलोकेट करेंगे, जहाँ पे जो है ओपनिंग जो है वो कम हो गई है उस ओपनिंग को हम बढ़ा देंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपनिंग है उसको हम कम कर देंगे, और जो है जो प्रवेश अगर कहीं पर जो है बाहर की तरफ आ गई है योनि, तो हम उसको अंदर की तरफ जो है उसको रिलोकेट करेंगे। यहाँ पे पुष्यानु चून का वर्णन है जिसका अनुपान है तंडुलोदक और मधु। मुख्य घटक इसका पाठा है और गैरिक है। आत्रेय द्वारा पूजित और इसका प्रयोग जो है अर्श में भी किया जाता है। एक बृहत शतावरी घृत है। बृहत शतावरी घृत जो है उसका प्रयोग में एक कर्ष पानी तल जो है वो बताया गया है उसकी मात्रा। पुंसवन और योनि दोष जो है उसमें उसका चिकित्सा है। उदुम्बर आदि तेल और धातक आदि तेल। तो ये हमने बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए चिकित्सा के, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, और जो टैबुलर फॉर्म में है वो सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पे हमको फोकस करना है।